नमस्कार, ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए आपको एक बाइक दिखाना चाहेंगे। ये बाइक के जो पीछे के जो टायर हैं, ये बहुत बड़े बड़े टायर हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई साहब बाइक के टायर इतने बड़े नहीं होते, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये बाइक तो है ही है, साथ ही साथ ये ट्रैक्टर भी है, तो छोटे किसानों के लिए मौज बन गई, ऐसा हमने टाइटल लिखा है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, खासतौर से छोटे किसान, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके। अब बैटरी वाला, जी हाँ, बैटरी वाला ट्रैक्टर आपके शहर में आ चुका है। ये तस्वीरें हम ट्रैक्टर की दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये आगे आप बाइक का भी काम इससे ले सकते हैं। ये यहाँ से आप ये देख सकते हैं, इस पिन को यहाँ से हटाएंगे तो आगे ट्रैक्टर का काम करेगा। और पीछे ये देखिए, पीछे की साइड हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप ट्रॉली लगा सकते हैं और ट्रॉली के ऊपर करीब 7 क्विंटल सामान रख सकते हैं, यानी कि 7 क्विंटल सामान आप ले जा सकते हैं। और ये छोटा ट्रैक्टर आया है, और इससे भी अच्छी बात ये है कि ये जो छोटा ट्रैक्टर है ये अब बैटरी से चलेगा। ये देखिए, ये बैटरी है, ये देखिए, ये बैटरी यहाँ पर लगी हुई है और जिसकी स्पीड रहेगी 25 से 30 किलोमीटर ऐसा बताया जा रहा है। ये देखिए, बाइक का भी काम किया जाएगा और साथ ही साथ जो छोटे किसान हैं, जी हाँ, जो छोटे किसान हैं वो अब अपने खेतों में ट्रैक्टर भी चलाएंगे, इससे काम लिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है, डीजल का रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि जो CNG है वो भी कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर आपके शहर में आ चुका है। एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब लेकर आए आप इसे? ये हमारा फर्स्ट पीस है जो हमने यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, और ये एक छोटे किसानों और बड़े किसानों के लिए, सबके लिए बहुत ही बढ़िया संदेश है। क्योंकि कोई भी ट्रैक्टर ले लो, 2.5-3 लाख से कीमत का कम का नहीं आता। तो पहली बात, प्राइस अगर बात करी जा तो मात्र 80,000 से स्टार्टिंग है, बस 80,000 रुपए का। दूसरी बात, तेल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी खर्च नहीं है साहब। अच्छा। 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप है। अच्छा। लोड की बात करो, 7 से 8 क्विंटल वजन उठा सकती है हमारी ये। अच्छा। सकुनो जो ये। अच्छा जी, तो 7 क्विंटल कौन सा उठा सकती है? आप गेहूं उठाओ ट्रॉली में लोड करके, अनाज उठाओ। इसकी अलग से ट्रॉली आई हुई है एक। अच्छा। जो ट्रॉली, ट्रॉली भैया आप दिखाओ जरा, ट्रॉली इसकी कहाँ लगेगी, यहाँ पर आके दिखाइए कहाँ इसकी ट्रॉली लगेगी। हाँ जी, पहला फाउंडेशन ट्रॉली का यहाँ जॉइंट होगा। क्या कह रहे? पहला फाउंडेशन ट्रॉली का यहाँ जॉइंट होगा। अच्छा। और दूसरा फाउंडेशन फिर यहाँ पे जॉइंट होगा। अच्छा। हाँ जी, तो ये किसानों के लिए ट्रैक्टर का भी काम करेगी। हाँ। और जी, आपका डीजल आप देख ही रहे हो कितना महंगा है। हाँ। छोटे किसान के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है जी। अच्छा। मैं तो कहूँगा सभी किसान एक बार देखें। हाँ। हम इसका कल डेमो करने जा रहे हैं आपके असंध में। अच्छा। ग्राम भारी से अरुण राणा जी के यहाँ। अच्छा। हाँ जी, असंध में इसका डेमो होगा। डेमो होगा अरुण राणा जी के यहाँ पे। अच्छा। तो दोस्तों, आप ये देखिए किस प्रकार से बेहद ही एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में आप देख सकते हैं जो ये ट्रैक्टर है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि छोटे किसान जो हैं, जी हाँ, छोटे किसान जो है कहीं ना कहीं लाभ उठा सकें। आपने बैटरी वाला ट्रैक्टर इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, तो दोस्तों आप इस ट्रैक्टर को देख लीजिए किस प्रकार से हरियाणा के करनाल जिले में अब ये ट्रैक्टर लॉन्च हो चुका है। जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें। एक भैया यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें हमने उनको तुरंत रोका, देखा कि ये तो देखने से बाइक लगती है, लेकिन साहब ये बाइक का भी काम करेगी। जी हाँ, ये देखिए आगे से बाइक का भी काम करेगी और पीछे ट्रैक्टर है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर जो है ट्रॉली लगा दी जाएगी, जिसकी हाइट जो है करीब, जिसकी लंबाई जो है करीब 5 फुट होगी। जी हाँ, इसकी लंबाई 5 फुट होगी। भैया लंबाई कितनी होगी? जी 5 फुट ही है। 5 फुट के आसपास लंबाई होगी। तो क्या क्या ये काम ले सकते हैं हम इससे? इससे हम, छोटा किसान खेत की जुताई कर सकता है, मेड निकाल सकता है, स्प्रे कर सकता है खेत में, और भाई जैसे अपना खाद हुआ, खाद भी खेत में ले जा सकता है। हाँ। आपका चारा हुआ, घर पे लेके आना है, चारा भी ला सकता है। हाँ। नॉर्मली सब्जी वाले व्यापारी हैं, मंडी में सब्जी लेके जानी है 5-7-10 किलोमीटर। अच्छा। उसमें भी कोई
कोई तेल नहीं फूकेगा कुछ नहीं, वो भी काम कर सकता है, वो भी काम कर सकता जी, है जी। तो इससे पहले ये ट्रैक्टर कहाँ चला गया, कहाँ चलता था पहले ये? सर ये नई लॉन्चिंग है, किसानों को देख के कि किसान सबसे ज्यादा तंग है। अच्छा। तो सबका ध्यान किसान के प्रति है, हमारी कंपनी ने भी थोड़ा किसान के प्रति सोचा, किसान सबको खिलाता है तो क्यों ना किसान के प्रति कुछ ना कुछ उसकी तरफ भी ध्यान दिया। भैया बैटरी कितना चलती है इसका? बैटरी इसका चलेगी जी, बैटरी चलेगी इसका आपका 6 से 7 घंटे। चार्ज कितने घंटे में होती है? चार्ज होती है 2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। मतलब 2 से 2.5 घंटे में चार्ज होगी और 5 से 6 घंटे जो है चलेगी जी, है ना? और स्पीड क्या रहेगी इसकी? स्पीड रहेगी 20 से 35 की स्पीड, 20 से 35 की स्पीड रहेगी जी, प्रति किलोमीटर घंटा। तो सब्जियां उगाने में और क्या, कल्टीवेटर भी लग सकता है जी? कल्टीवेटर भी लग सकता है, फिलहाल रूटावेटर भी लॉन्च हो रहा है इसका। इसी का रूटावेटर लॉन्च हो रहा है? रूटावेटर लॉन्च हो रहा है। अच्छा, तो भैया कहाँ से लेकर आ रहे हो आप ये? ये फिलहाल हमारे एक साथी ने एजेंसी ली है यहीं पे करनाल में, सतीश राणा जी ने। अच्छा। उन्हीं के गाँव में डेमो के लिए जा रहे हैं। अच्छा। मात्र 3 महीने हुए हैं इसकी लॉन्चिंग को अभी। अच्छा। तो हरियाणा के अंदर पहला पीस आया है ये। अच्छा। डेमो के लिए, अब जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट आएंगे, करीब 200 मशीनें बेच चुके हैं पहले। अच्छा। अलग अलग स्टेटों में बड़े बड़े किसानों के पास। अच्छा। अब यहाँ पे पहला शोरूम लॉन्च किया है कंपनी, ये पहला शोरूम लॉन्च किया है। लीजिए दोस्तों देख लीजिए, एक नया ट्रैक्टर आया है। जी हाँ, नया ट्रैक्टर आया है आपके शहर में। तो जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये देखिए भैया, एक मिनट पीछे होना, ये देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर का तो काम लिया ही जाएगा, साथ ही साथ आगे बाइक लगी हुई है। बाइक का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप कहीं पर भी सब्जी खरीद सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ये देखिए, ये एक बैटरी वाला जो ट्रैक्टर कम बाइक, जी हाँ ट्रैक्टर कम बाइक इसको जरूर बोलेंगे। और इसी के पीछे भैया एक बार दोबारा बताएं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम दिखाएंगे कि ट्रॉली कहाँ लगाएंगे आप? ट्रॉली हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। अच्छा। ये जो ट्रॉली है वो यहाँ पे ज्वाइंट होगी, और जो हमारा कल्टीवेटर है, हाँ। ये हमारा लेजर है, वो यहाँ पे ज्वाइंट होगा। अच्छा। ये पार्ट्स निकल जाएगा यहाँ से, ये 2 पिन निकाल लेंगे। अच्छा। जो दूसरा पार्ट है वो वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अच्छा। ठीक है जी, उससे हाँ। हम खेत की सिंचाई कर सकते हैं। हाँ। मतलब खुदाई बुआई मेड वगैरह। अच्छा, तो ये इसके आगे क्या मतलब स्टेयरिंग कहाँ लगेगा? ये स्टेयरिंग जैसे बाइक का लग गया है, जैसे बाइक का स्टेयरिंग लगा है, ऐसे ही फिर ट्रैक्टर लग जाएगा इसमें, ट्रैक्टर वाला स्टेयरिंग लग जाएगा। अच्छा। जो नॉर्मली किसान चला सकेगा। तो स्टेयरिंग, ट्रॉली और ये बाइक, ये सारा सिस्टम 80,000 का बता रहे हैं? नहीं सर, ट्रॉली अलग से लेनी पड़ेगी। हाँ। दो लेजर हैं, और जो खेत वाला स्टेयरिंग है, ट्रैक्टर जिसे बोल लेंगे, ट्रैक्टर बनेगा। हाँ। वो इसी के साथ आएगा। अच्छा, 80,000। ओवरऑल जो देखा जाए सभी पार्ट कितने के हैं? मैक्सिमम 1 लाख में सभी कम्प्लीट हो जाएंगे। अच्छा, 1 लाख में सभी कम्प्लीट हो जाएगा। तो कोई फाइनेंस की भी सुविधा है? अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, फिलहाल लॉन्चिंग है नहीं। हाँ। वो किसानों के ऊपर, जैसे किसान को अच्छा लगेगा, मार्केट में अच्छी लॉन्चिंग होगी तो शायद ये भी स्कीम में निकल जाए। अच्छा। क्योंकि सभी के लिए निकली है आजकल। हाँ। तो भैया अगर किसी को लेना हो तो क्या बुक करवाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? जी बुक कराना पड़ेगा, पहले कहाँ पर बुक करवाना? बुक हमारे यहीं करनाल में होगा। हाँ। मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, 7983612546। अच्छा। दुष्यंत राणा मेरा नाम है। अच्छा। मैं सुकूनो कंपनी का डीलर हूँ। अच्छा। मतलब अपना यही काम रहता है, आपका यही काम रहता है। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये भैया यहाँ से गुजर रहे थे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे रोड की। हमने देखा कि ये क्या एक अजीब सी चीज लेकर यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इन भैया से हमारी बात हुई तो इनका साफ तौर पर ये कहना था कि साहब ये बाइक नहीं है। ये देखिए आगे की जो शेप है वो बाइक की तरह लगती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक बाइक हो, लेकिन पीछे से देखने से पता लगता है कि ये ट्रैक्टर है, यानी कि किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बेहद ही ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है। तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि छोटे किसानों तक, जी हाँ छोटे किसानों तक ये खबर पहुंचाई जा सके। और ये देखिए किस प्रकार से, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई सीएनजी नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है ये दोस्तों। और हरियाणा में इसकी ये पहली लॉन्चिंग है, आप ये देख सकते हैं, ये भैया अब यहाँ से इसको लेकर जा रही हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुँचाई जा सके। 7 क्विंटल क्षमता वाला जो ये ट्रैक्टर अब हरियाणा के करनाल जिले में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, 7 क्विंटल आप कुछ भी ले जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपडेट आपको देते रहेंगे।